हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विज्ञान दिन प्रतिदिन बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। विज्ञान एक रहस्यमय विषय है, क्योंकि इस विषय पर जितना रिसर्च होता है उतना ही इसका रहस्य बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ही उसके बारे में जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। हर कोई अधिक जानने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन इसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाता। आज मैं आपको विज्ञान से जुड़ी 8 ऐसे मज़ेदार रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। तो नंबर 1, न्यूट्रॉन तारों के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन तारा किसी भारे तारे के महानोवा घटना के बाद उसके गुरुत्वीय पतन से बना हुआ अवशेष होता है और यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। देखने में तो इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। जानकारी की माने तो एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार में नाभिकीय घनत्व का वजन 6 बिलियन टन होता है। इसके अलावा पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट जितना एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वजन होता है। और नंबर 2, वैज्ञानिकों की माने तो हवाई हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जमीन में यह परिवर्तन टेक्टोनिक प्लेटों के कारण होता है, जो निरंतर गति से हो रहा है या उसके नीचे उठने और गिरने वाली धाराओं द्वारा संचालित किया जाता है। प्रशांत प्लेट के केंद्र में स्थित हवाई और हर साल धीरे धीरे उत्तरी अमेरिकी मंच पर वापस अलास्का की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 3, कॉकरोच देखने में तो छोटा होता है, लेकिन बहुत से लोग इससे डरते हैं, हालांकि यह विज्ञान में अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध है। कॉकरोच के प्रसंचरण तंत्र खुला होता है, इसलिए यह अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छिद्रों से सांस ले सकते हैं। यही वजह है कि सिर कटने के बाद भी कॉकरोच 1 सप्ताह या उससे भी ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि वह मुँह के बिना पानी नहीं पी पाता है और प्यास से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 4, यह तो हम सब जानते हैं कि हवा और पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी है जो हवा और पानी के संपर्क में आते ही फट जाती है। यह धातुएं हवा के संपर्क में आते ही तुरंत ऑक्सीकृत हो जाती है, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होती है। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख है। अगर इन धातुओं को पानी में डाला जाए तो विस्फोट हो जाता है। नंबर 5, एक रिसर्च के जरिए पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़े के ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। डीएनए में मौजूद फास्फेट गर्म होने पर फास्फेरिक अम्ल का निर्माण होता है तथा पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्नि रोधक पदार्थ की तरह काम करता है। डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्थान करता है, जो दहन को रोकने का काम करता है। और नंबर 6, आपको बता दें कि जन्म के बाद मानव में सबसे ज़्यादा विकास किशोरावस्था में होता है। जानकारों की माने तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में किशोर में यौन ग्रंथियों का विकास होता है, क्योंकि इस उम्र में पुरुषों में यौन ग्रंथियाँ एंड्रोजन हार्मोन पैदा करती है, जिससे दाढ़ी और छाती के बालों में वृद्धि होती है। इसकी विपरीत स्त्रियों की यौन ग्रंथियां एंड्रोजन की बजाय एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती है, इसलिए स्त्रियों की दाढ़ी नहीं आती है। और नंबर 7, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी लगातार दूरी पर घूमती रहती है। इसका अंदाजा हम दिन में सूर्य की बदलती हुई स्थिति से लगा सकते हैं। पृथ्वी के घूमने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि पृथ्वी बराबर एक ही गति से घूम रही है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन ना होने के कारण ही हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। इसके अलावा हमारा अस्तित्व भी पृथ्वी की तुलना में कण मात्र से कम है। और नंबर 8, ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्च के अनुसार साल 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया गया था, जिससे पता चला कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे यह पता चलता है कि जब हम सोते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।